मिट्टी की खुशबू जब भी बात होती है, यू थिंक अबाउट योर नियर एंड डियर वंस, उस जगह को याद करते हैं जो आप छोड़ कर आए हैं. जैसे अमित ने पहले बोला था कि हम सब बॉम्बे से बाहर से हैं, स्पेशली जो टीम हमने बनाया है ऑन ग्राउंड जो थे, एंड वी हैड अ सर्टेन ड्रीम इन आई आईज कि बॉम्बे आके कुछ करेंगे. लेकिन जब भी हम इफ़ यू लुक बैक नाउ, फ्लैशबैक में जब जाते हैं तो मिट्टी की खुशबू आती है. इनफैक्ट दिवाली भी हम सब चंडीगढ़ जाएंगे, मैं जाऊंगा शायद, रोचक नहीं जाएगा, बट वी रीविजिट आवर प्लेस एंड वी थिंक अबाउट इट अगेन एंड अगेन. वट एवर वी आर राइट नाउ, आर आइडेंटिटी इज अबाउट दैट प्लेस, बिकॉज ऑफ दैट प्लेस, एंड दैट्स मिट्टी की खुशबू. यार पहली बारिश जब होती है ना तो मतलब उसका अलग ही मज़ा होता है. आई थिंक मैं दिल्ली से हूँ और वहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीम वेदर्स होते हैं, तो जब बारिश होती है तो पहली बारिश आई थिंक इट जस्ट रिमाइंड्स यू लाइक आयुष्मान सर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड इट ऑलवेज टेक्स यू बैक टू ऑल द स्वीट बिटर स्वीट मेमोरीज. आई थिंक दिस सॉन्ग ऑल्सो इज अबाउट दिस बिटर स्वीट मेमोरीज की मतलब प्यार भी है बट वो शायद कहीं ना कहीं यू नो इनकम्प्लीट है, तो इट ऑलवेज टेक्स यू बैक इन टू दैट मेमोरी लेन. आई थिंक दोनों, आई स्टिल बिलीव आई एम एन एक्टर हु सिंग्स नॉट अ सिंगर हु एक्ट्स, क्योंकि अभिनय का रियाज मेरा ज़्यादा है और मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू लेंड योर वॉइस टू योर ओन कैरेक्टर जस्ट एड्स क्रेडिबिलिटी टू योर कैरेक्टर एंड मे बी एज एन आर्टिस्ट. तो ऑफकोर्स एक्टिंग एंड सिंगिंग बोथ, बट एक्टिंग फर्स्ट एंड सिंगिंग लेटर. आप मेरा ब्लॉग नया पढ़ सकते हैं अगर आपको इसका सही जवाब चाहिए तो. इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग आंसर होता है. बड़ा डेंजरस ट्रेंड है, मुझे तो बड़ा डर लगता है. सब लोग मतलब या तो जैसे आयुष्मान की तरह होते हैं, मतलब दे ऑलरेडी वेरी वेल ट्रेन्ड और देयर सो मेनी न्यू एक्ट्रेसेस एंड एक्टर्स, दे ऑल आर सिंगिंग. मतलब मैं तो बिल्कुल भी नहीं गा सकती हूँ, अगर कोशिश भी करूंगी तो आई थिंक ऑलवेज माई फर्स्ट फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर आई हैड सांग अ लिटिल सॉन्ग मूरा, सो बट इट वॉज पार्ट ऑफ द सीन, सो इट वॉज नॉट रियली लाइक अ प्लेबैक सॉन्ग. तो बट अगर एक्चुअली मुझे स्टूडियो में मतलब वो सब गाने के लिए पहुंचा देंगे तो मेरे को बहुत डर लगता है.